ग्रामीण इलाके में आम जन के साथ ही घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह के माध्यम से उन्हें कर्ज देने और फिर उसे किस्त में रिकवरी करने का काम स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। तो वहीं कर्ज लेने वाले कुछ ऐसे भी लोग जो कर्ज तो लेना जानते हैं लेकिन उसे वापस न करने या फिर उसे कैसे कर्ज को जमा न करना पड़े इसकी जुगत खोजते रहते हैं। ऐसा ही कुछ गाजीपुर की कासमाबाद की पुलिस ने एक हत्या का अनावरण करते हुए इस तरह के मामले का खुलासा किया है, जिसमें समूह का पैसा वापस नहीं करने के लिए महिला ने अपने ही पति का प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करा दिया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि 2 जून की रात में कासमाबाद थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले डब्लू राम की चाकू से हत्या कर चाकू को झाड़ी में छुपा दिया गया था। उन्होंने बताया कि जब हत्या हुई थी तो मृतक के साथ ही उसके 4 बच्चे और पत्नी भी साथ में सोई थी। पत्नी ने उस वक्त अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और बताया था कि यह हत्या कैसे हुई यह जानकारी उसे नहीं है। वहीं अब इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने और क्या बताया, आइए जानते हैं। थाना कासमाबाद क्षेत्र में एक भट्टे के ऊपर एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। हत्या के समय उसकी पत्नी और 4 बच्चे बिल्कुल बराबर में लेटे हुए थे। ये अभियोग अज्ञात में पंजीकृत हुआ था। उस समय ये शक हुआ था कि एक व्यक्ति से, क्योंकि ये मजदूरी करते थे भट्टे पे, तो वहां पे एक लेबर से इसका झगड़ा हुआ था और उस लेबर को भट्टे के मुनीम द्वारा किसी अपने ही दूसरे भट्टे पे, जो वहां से 8-9 किलोमीटर पे छोड़ा गया। पहले शक उस पर गया, लेकिन जब इंस्पेक्टर कासमाबाद ने इसमें थोड़ी और तहकीकात की और थोड़ा जानने का प्रयास किया, तो जो मृतक है ये और इसका परिवार पहले महाराजगंज में करीब 1.5-2 महीने पहले किसी भट्टे पे काम करते थे। वहां से इसकी पत्नी अपने किसी प्रेमी के साथ गई थी। जब इस एंगल को और एक्सप्लोर किया गया तो इस मामले में जो मृतक की पत्नी है वो स्वयं और उसका प्रेमी अभिषेक नाम का व्यक्ति है, इनके द्वारा ही साजिश के तहत किया गया है। इसमें जो मृतक है वो और उसकी पत्नी किसी समूह के, क्योंकि मूल रूप से ये लोग रहने वाले हैं मऊ के, तो वहाँ किसी समूह के ये सदस्य थे। इनको किसी ने ये बताया गया है कि समूह के जो पैसे लेते हैं उतारते हैं ये लोग, अगर किसी कोई एक इनमें से हताहत हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो वो पैसे माफ हो जाते हैं। तो इसमें ये सूचना है कि करीब 70-80 हजार रुपये ले रखे थे और पत्नी भी इन्हीं कारणों से, प्रेमी के कारण छुटकारा पाना चाह रही थी, तो इसी के तहत इन दोनों ने मिलकर जो प्रेमिका है इसके द्वारा षड्यंत्र करके अपने पति की हत्या की गई है।